नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ इलेक्ट्रिक बोर्ड में। दोस्तों आज हम आपको ये पंखे में आपको कनेक्शन करना बताऊंगा। ये देखिए, ये आपका 3 तार वाला पंखा है। बहुत से पंखे 4 तार के होते हैं, ये आपका 3 तार का है। इसमें 3 तार आए, लाल, पीला और नीला, और आपका ये कंडेंसर। चलिए कंडेंसर के बारे में बता देते हैं। ये कंडेंसर 2.5 नंबर का इसमें लगता है कंडेंसर। पंखा आपका नया होता तो ये नया लग कर आता है, चलते 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 पंखा पुराना हो जाता है, ये तो कंडेंसर आपका ये ख़राब हो जाता है, तो पंखा आपका स्लो चलने लगता है। तो कंडेंसर इसको हम बदल देते हैं, 40-35 रुपए का मार्केट में मिलता है, तो आपका ये पंखा नए की तरह, पहले की तरह अच्छा चलने लगता है। तो इसमें 2 तार होते हैं, इसमें कोई भी तार में ना प्लस होता, ना माइनस होता, ना न्यूट्रल, ना फेज। तो कोई भी तार हम किसी में भी अदल बदल के लगा सकते हैं। चलिए हम आपको कनेक्शन बताते हैं। देखिए इसमें आपके, ये देखिए आप इस तरीके से देखिए, 1-2 इन दोनों तरफ, ये देखिए इस तरफ आपके ये जो तार हैं तो ये वाले तार लगेंगे इस तरफ, और ये जो हैं 2 इसमें आपके वह तार लगेंगे जिससे इस पंखा को चालू करोगे, जिससे इस पंखा में करंट आएगा। तो उसके लिए ये देखिए हमने 2 तार ले लिए, इन दोनों तारों से इस तरफ हम करंट देंगे तब आपका पंखा चालू होगा। देखिए हमने इसमें ये तार लगा दिए, ये देखिए इसमें ये तार लगा दिए। इसमें आप ध्यान दें, अब आप ये एक बात ध्यान दें कि इसमें हमने काले वाले तार को ऊपर लगाया और पीले वाले तार को नीचे लगाया। आप जो भी तार लिए वो लगा सकते हैं। तो ये वाला तार हम इस जगह लगा सकते थे और ये वाला तार इस जगह लगा सकते थे। इसमें कोई भी कंडेंसर नहीं है कि ये वाला यहीं लगे और ये वाला यहीं लगे। हाँ, इधर वाले तारों में, इनमें जो तार लगेंगे उसमें कंडेंसर है, वो आप अभी जानेंगे कौन कैसे हम लगाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, इसको हमने यहाँ से निकाल के ऐसे भी लगा दिया, ये लो पीले वाले को ऊपर कर दिया और आपका काला वाला नीचे कर दिया। तो इसमें हम कोई भी तार हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इधर वाले में नहीं। तो चलिए इनको हम दोनों को अच्छे से कस देते हैं। ये देखिए हमने दोनों तारों को अच्छे से कस दिया इस तरीके से। अब चलिए इस तरफ के बारे में बताते हैं। तो देखिए ये जो आपका लाल वाला तार है, ये आपका सबसे नीचे लगेगा और ये आपका अकेला तार लगेगा, इसमें कोई भी तार नहीं लगेगा। ये आप ध्यान दें दोस्तों कि लाल वाला तार आपका नीचे लगेगा, ये हमने नीचे लगा दिया। अब ये देखिए पीला और नीला बचा है, और ये देखिए कंडेंसर के ये तार बचे हैं 2 तार। तो हम ये पीले वाले तार में 1 तार कंडेंसर का लगा लेंगे। ये देखिए हमने लगा लिया, ये देखिए लगा लिया। तो ये वाला तार हमने इसमें पीले वाले में लगाया। लेकिन दोस्तों हम, अगर आप कहो कि इसको हटा दें इससे और ये वाला इसमें लगा दें, ये वाला, तो भी हम लगा सकते हैं। दोनों तार में कोई भी हम पीले वाले में लगा सकते थे। तो ये वाला तार हमने पीले में लगा दिया और ये तार हम नीले में लगा लेंगे। अब हमने ये दोनों तार लगा लिए। अब आप ये देखिए, अगर आपका मन हो तो ये वाला जो आपने कंडेंसर का पीले वाले में लगाया है, इसको हम इसमें भी लगा सकते थे, तो आप कोई भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखिए कि जो आपका पीला वाला तार लगा है, इस पीले वाले तार को हम बीच में लगाएंगे। ये देखिए इसमें आपके, ये देखिए 1-2, तो इसको हम लगाएंगे बीच में। ये देखिए हमने लगा दिया, इसको हम बीच में लगाएंगे और ये वाले तार को, नीले वाले तार को हम ऊपर वाले में लगाएंगे। ये देखिए हमने ऊपर वाले में लगा दिया ऐसे करके, और इसको हम कस देते हैं। तो इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है कि लाल वाला तार आपका सबसे नीचे लगेगा, वो भी अकेला लगेगा, और पीला वाला तार बीच में लगेगा, नीला वाला तार ऊपर लगेगा, और आपकी ये लाइट वाले तार एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा। इसमें कलर का कोई बॉन्ड नहीं होता है कि आपका यही तार हो। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब हम आपको चलाकर दिखाते हैं ये पंखा। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको फांस लेंगे, ऊपर कर लेंगे और तार को हम लगाते हैं। ये देखिए हमने तार को लाइट में लगा दिया और ये पंखा, ये देखिए हमारा चलने लगा। ये देखिए ये पंखा हमारा चलने लगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम 3 तार वाले पंखे में कनेक्शन करते हैं। इसमें थोड़ा सा और जान लें दोस्तों, ये आपका कंडेंसर 2.5 नंबर का है, ठीक, 2.5 नंबर का कंडेंसर इसमें लगेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल बन कर आएगी, उस पर भी आप क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें और लाइट से संबंधित जानकारी को सीखते रहें।